जी नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम जी। हमारे चैनल परम ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अच्छा करता हूँ, जैसे पहले ही वाली वीडियो को आपने हमारी को बहुत बहुत प्यार दिया, तो इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दोगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम Dream11 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक को बताने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता दूँ आपको, अगर आप इस ऐप को नहीं यूज करते हो तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही मज़ेदार ऐप है दोस्तों। इसमें आपका टाइम पास तो होगा ही होगा, साथ में आपको पैसा भी आएगा दोस्तों, सीधा आपके अकाउंट में, ठीक है दोस्तों। आप इसमें बहुत ही सारा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा, अगर आप इसको दिमाग से खेलते हो दोस्तों। और तो देखा होगा आपने धोनी का ऐड, खेलो क्रिकेट दिमाग से, तो वही है दोस्तों, Dream11 की बात करने जा रहे हैं आज हम, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। हमारे पुराने बहुत सारे लोगों ने तो किया हुआ है दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन भी दबाएं दोस्तों, ताकि जो दुनिया के आप किसी भी कोने में, आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके फ़ोन पर पहुँच जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं बताऊँगा दोस्तों Dream11 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिससे आप इजीली जो है विन कर सकते हैं। तो मैं बाकी लोगों की तरह नहीं बोलूँगा दोस्तों हवा में बात के, हाँ जी आप 101% जीतोगे, ये हमारा ट्रिक अपनाएं, वो बताएं अपनाएं, पक्का जीतोगे, ये आपको ज़िंदगी बदल देगा, ये वो, आपको सिंपल और सरल तरीके में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिनसे आप आराम से जीत सकते हैं दोस्तों। और सिंपल और सरल ट्रिक्स वो क्या हैं दोस्तों, सबसे पहले तो यही है कि आप कौन सा भी प्लेयर ले रहे हो उसका, ये तो कुछ लोगों को मालूम होएगा, अगर नहीं भी मालूम आपको, उस पे आप क्लिक करके देख सकते हो पुराने मैचों में वो कैसे खेले हैं। अगर वो अच्छा फॉर्म में है तो उसको ज़रूर लें, अगर वो देखा 3-4 मैचों से दोस्तों ख़राब प्रदर्शन कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको लेके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात, अगर वो मेन प्लेयर है, मान लो कोई फिंच है या शॉन मार्च है, ऐसे मेन प्लेयर है, मान लो वो एक दो मैचों में नहीं चला है, तो आपने उसको ड्रॉप भी नहीं करना है दोस्तों। उसका क्या फ़ायदा है कि ऐसे प्लेयर होते हैं जब चलते हैं तो नदियाँ पारी लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना, बोलते हैं ना नदिया पारी लगा दिया, तो ऐसे वो पार लगा के ही छोड़ दें दोस्तों। अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसको ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो आप छोड़ दो बेशक दी, तो यही मैं बोलना चाहूँगा। और उसके बाद दोस्तों आपने जितना उसका पुराने मैच का टोटल पॉइंट भी आता है सेंटर में लिखा हुआ है, 170, 270, 450 या कितना भी पॉइंट है, वो देख के आपने ज़रूर या उसको ऐड करना है। और साथ में क्रेडिट का तो आपको खैर पता ही, वो ध्यान ज़रूर रखना होता है कि टोटल कितना क्रेडिट है, तो उसके हिसाब से आपको जो है ये लेने होते हैं, प्लेयर चूज करने होते हैं 100 क्रेडिट में से, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा लेवल डाउन वाला भी प्लेयर ले सकते हो, जिसके पास क्रेडिट कम मिलता है, मान लो 7.5 में मिल रहा है, 8 क्रेडिट में मिल रहा है, उसका क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, वो कम में भी आपको मिल जाता है, लेकिन कभी कभी वो चल भी अच्छा जाता है दोस्तों। अभी मेन प्लेयर हम ले लेते हैं, मान लो ऊपर का 10.5 क्रेडिट में, 11 क्रेडिट में, लेकिन चलता वो है नहीं, बाद में फ़ायदा कोई नहीं रह जाता, हमारा पूरा वो क्रेडिट भी खा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए उस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखने का है कि आप कोई भी जो देखते आप देख सकते हैं कि इस प्लेयर का बैटिंग आ सकता है नीचे से, क्योंकि नीचे वाले प्लेयरों का बैटिंग कम ही आता होता है, वो लेट आता है 2020 में तो खासकर, तो आप देख सकते हैं कि इस प्लेयर का बैटिंग आ सकते हैं, तो आपने उसको लाजमी कमती में ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरा बात मैं इसमें आपको क्या बोलूँगा कि मान लो आपका जो है ऊपर का प्लेयर है दोस्तों, ठीक है, वो फॉर्म में नहीं है, वो तो वैसे खैर मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि फॉर्म में नहीं है, तो आप उसको जो है मत ले दोस्तों, उसकी जगह दूसरा प्लेयर ले लें। लेकिन आपने क्या करने का, 3 बैट्समैन तो खैर लेने ही लेने, लेकिन बॉलरों से ज़्यादा आप ऑलराउंडर पे कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑलराउंडर ये है कि अगर वो बैटिंग अच्छा नहीं करेगा तो बॉलिंग में तो एक दो विकेट ले ही लेगा, अगर बॉलिंग में उसको विकेट नहीं मिला तो स्कोर तो वो 20-30-40 इतना तो दोस्तों मार के जाएगा, क्योंकि जो मेन बैट्समैन भी आप ले लेते हो वो भी कभी 0 या 2-4 पर भी आउट हो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑलराउंडर पे आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करने का दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
और दूसरा मैं क्या इसमें बताने जा रहा हूँ आपको कि जब भी आपने मैच लगाने का दोस्तों, तो जितना पहले हो सके उतना पहले टीम बना के आप कंटेस्ट ज्वाइन कर लें दोस्तों। उसका क्या फ़ायदा है अभी आप सोचोगे ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये बाकी किसी वीडियो में भी आपको ये ट्रिक नहीं बताया होएगा, मेरे को 100% गारंटी है दोस्तों। इसमें क्या है, आप कितना पहले ज्वाइन करेंगे, मान लो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, उस जब तक वो मैच आएगा तो ज़्यादातर चांस क्या होते हैं, जो आपके बाकी पार्टिसिपेंट होते क्या होते हैं, मान लो आप 4 सपोर्ट वाला लगा रहे हो, 5 सपोर्ट वाला, तो उसमें 1-2 सपोर्ट वाले लोग तो भूल ही जाएंगे उस टाइम, उनका कंसिडेंट नहीं रहेगा टॉस के टाइम कि वो प्लेयर चेंज कर लें, क्योंकि टॉस के टाइम क्या होता है, जो हमने प्लेयर चूज किए होते हैं दोस्तों उसमें से 1-2 प्लेयर नहीं खेल रहे होते हैं, 3 प्लेयर नहीं खेल रहे होते हैं, तो उसका हमको बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम तो मौके पर टीम बना लेंगे, वो लोग जो है भूल जाएंगे, उनका जो तो मौके पे वो बिजी हो गए जहाँ कैसे भी करके वो भूल सकते हैं, तो इसलिए 3-4 दिन पहले ही आपने जो है टीम बना लेने का है दोस्तों, जितना भी पहले हो सके, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाकी लोग जो है भूल जाएंगे, जैसे वो भूलेंगे 2-4 उनके प्लेयर नहीं खेलेंगे तो उसका पूरा पूरा बेनिफिट दोस्तों आपको मिलेगा। और मान लो लाखों स्पोर्ट वाला अगर आपने ज्वाइन किया कंटेस्ट, तो उसमें तो कितने हज़ारों लोग भूल सकते हैं दोस्तों, उनको कितना एमरजेंसी काम पड़ सकता है, क्योंकि हर एक अपना अपना लाइफ है दोस्तों, उस टाइम कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, इसलिए दोस्तों आपने कभी भी कंटेस्ट ज्वाइन करने का पहले ज्वाइन करने का, ठीक है दोस्तों। और जो अर्ली मॉर्निंग मैचेस होते हैं इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में किधर भी, मान लो 3 बजे सुबह स्टार्ट हो रहे हैं, 4 बजे स्टार्ट हो रहे हैं, 4:30 स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें आपने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का है। वो क्यों, क्योंकि बाकी लोग ज़्यादातर सोए रहेंगे, उनका नींद नहीं खुलेगा, आप 2-3 अलार्म लगा के उस टाइम उठ सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं दोस्तों मौके पर। कंटेस्ट पहले ज्वाइन करने का, लेकिन मौके पर आपने टीम एडिट करने का है, और जैसे ही वो टॉस होएगा तो उस टाइम बाकी लोग मे बी उस टाइम सोए रह सकते हैं, उनका आँख नहीं खुलेगा दोस्तों। ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सभी सोए रह जाएंगे, कुछ लोग उठेंगे भी, लेकिन ज़्यादातर चांस लोगों के क्या है सोए रहने के, उनका आँख नहीं खुलेगा दोस्तों, और आपका वो आराम से विन कर सकते हैं, क्योंकि उनका 1-2 प्लेयर नहीं खेल रहा होएगा दोस्तों, इसका आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा मैं अभी एक और पॉइंट क्या बताने जा रहा हूँ, मान लो आपके अकाउंट में 500 है या 1000 है या 5000 है, 10000 है, तो आपने एक ही बार में 5000 या 10000 नहीं लगा देने का, तो किस्तों में लगाएं, 100 लगाएं, 100 के 2-4 लगा दिए, 200 के 2-4 लगा दिए, जहाँ अगर कमती वाला आप लगा रहे हो 12 वाले 2-4 लगा दिए, 15 वाले 20 वाले 2-3 करके, ऐसे मेरे कहने का मतलब है कि आपने कम पैसा लगाने का, और था जो 1-2 आप हार भी गए तो दूसरे तो जीतो गई, 2-4 हार भी गए तो 500 तो दूसरे जीतो गई दोस्तों, एक ही बार आप लगा दोगे तो पूरा पैसा आपका वेस्ट चला जाएगा दोस्तों, तो जो है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और बाकी इसके आगे भी मैं 1-2 वीडियो और डालूंगा ड्रीम 11 पे दोस्तों, जिसमें और भी अच्छे ट्रिक्स मैं लेके आऊँगा, और बाकी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करने का दोस्तों भूलने का नहीं है, और बेल वाला आइकन भी ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि जो आने वाली वीडियोज का आपको जट से मालूम हो सके, और कमेंट सेक्शन में हमको आके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, कौन कौन इस टिप्स को और ट्रिक्स को यूज किया और वो जीता, हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आपकी आगे आने वाले टाइम में कौन कौन सी वीडियो चाहिए, किस किस चीज़ का आपको नॉलेज चाहिए, ज़रूर हमको जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी और भी इस चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी डाल रखे हैं दुबई लाइफ के बारे में, दुबई कैसे आएँ, बहरीन कैसे जाएं, बिजट वीज़ा कैसे गेट करें, घूमने फिरने के लिए कैसे गेट करें, और कितना पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, इस वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।